सो गाइस वेलकम टू माय चैनल कोडिंग असाइलम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला वीडियो पाइथन बेसिक्स 1 का। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पाइथन। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि पाइथन है क्या चीज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गिरो एंड रोजम इन अर्ली 1990s। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया है, जिसे बनाया है गिरो वैन रोजम ने। गिरो वैन रोजम एक डच प्रोग्रामर है, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पे। देन बात आती है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पाइथन शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि प्रोग्रामिंग है क्या। जैसे कि मैंने कहा अभी पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग क्या चीज है काफियों को नहीं पता होगा, तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या चीज है। तो प्रोग्रामिंग इज अ वे टू मेक कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट देम टू डू। प्रोग्रामिंग एक जरिया है कंप्यूटर्स को बताने का कि हम तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से पूछते बेटा क्या कर रहे हो, और अगर सामने से रिप्लाई आ रहा है कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए क्या सच में वो इंसान कंप्यूटर चला रहा होता है या कंप्यूटर उसे चला रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे को कंप्यूटर पे कोई वीडियो प्ले करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे माय कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, वीडियोस पे जाना पड़ेगा, या फिर जो भी स्पेसिफाइड पाथ है उस वीडियो का उधर जाना पड़ेगा, देन जाकर के उसे प्ले करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर ने उसे कहा तुम्हें वीडियो देखना है, पहले माय कंप्यूटर पे घुसो, देन वीडियो में जाओ, देन मतलब वीडियो प्ले करो। लेकिन क्या एक यूजर अपने आप ऐसा कह सकता है कंप्यूटर को, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम मुझे डेस्कटॉप पे ही मेरा वीडियो प्ले कर दो। नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल हो जाती है ये सारी चीजें एक प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि द ओनली ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामर्स। यस, प्रोग्रामर्स वही लोग होते हैं जो एक कंप्यूटर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें जो भी करना है मेरे लिए करना है। प्रोग्रामिंग करते वक्त कंप्यूटर नहीं डायरेक्ट करता है प्रोग्रामर को कि तुम्हें मेरे बताए गए नक्शे कदम पे चलना है। एक्चुअली उस टाइम पे एक प्रोग्रामर होता है जो एक कंप्यूटर को सिखा रहा होता है कि तुम्हें आगे क्या क्या करना है, जो मैं चाहता हूँ वही तुम करोगे, ऐसा एक प्रोग्रामर का माइंडसेट रहता है एक प्रोग्राम के प्रति। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम चूज कर रहे हैं अपना लैंग्वेज पाइथन। तो आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? किसी भी टू पर्सन को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए एक बेसिक चीज जो कॉमन रहनी चाहिए इज अ कॉमन लैंग्वेज। कि दोनों को कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, दोनों को समझ आती हो। ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एग्जांपल ले लूं, तो नॉर्दर्न इंडिया के लोग सदर्न इंडिया की भाषा नहीं समझ पाते हैं, एंड वाइस वर्सा। जैसे कि कोई भी दिल्ली का इंसान अगर तमिलनाडु में जाएगा तो ऑब्वियसली वो तमिल नहीं समझ पाएगा, उनकी जो भाषा है तमिल उसमें वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, एंड दस नॉट दस। और ऐसे ही एक साउथ इंडियन इंसान को आपने देखा होगा कि हिंदी बोलने में काफी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, फ्लुएंटली बोल लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस। तो ये है कि सदर्न इंडिया के लोग इंग्लिश से ज्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू हिंदी। ऐसे ही आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कोई एक पर्सन किसी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, किसी में कम कंफर्टेबल। तो ये डिसाइड करना होता है एक यूजर को, एक प्रोग्रामर को, कि तुम्हें कौन सा लैंग्वेज चूज करना है कंप्यूटर से अपना काम करवाने में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल काफी सारे हैं, जस्ट लाइक पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल एक्सेट्रा। इनमें से जो हम पाइथन का ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं, आने वाले वीडियोस में हम पाइथन सीखेंगे। हम में से कोई ये जज नहीं कर सकता कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। काफी लोग पूछते हैं ये बात कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सा बना है अब तक का। ये जज नहीं किया जा सकता कि अब तक का बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, क्योंकि हर एक यूजर के, हर एक प्रोग्रामर के अलग अलग कम्फर्ट जोन होते हैं, और उन्हीं कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंग वो अपना अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करता है। जैसे किसी को अगर फास्ट कंपाइल होने वाले या फास्ट रन होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, तो हो सकता है वो
अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पाइथन या सी प्लस प्लस कुछ भी चूज कर ले। अगर किसी को ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स कोड लिखने में मजा आता है वो सी चूज कर सकता है। और सिमिलरली बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाई पाइथन, हम पाइथन क्यों सीखे पाइथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि पाइथन का नाम जो स्नेक पाइथन है उस पे नहीं रखा गया है, पाइथन का नाम रखा गया है मोंटी पाइथन सर्कस शो से। मोंटी पाइथन सर्कस शो से जो मोंटी पाइथन, इसमें से जो सेकंड वर्ड था पाइथन, मोंटी पाइथन, आई थिंक ये मोंटी पाइथन जो है एक नेम था एक बंदे का, और उसका सरनेम गिरो एंड रोजम सर ने ले लिया और उसी नाम से रख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं वाई पाइथन। पाइथन एक टाइप से कहा जा सकता है कि इट्स द इजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिल डेट। लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा अब तक का बेस्ट या इजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बना है अब तक। हर एक के अलग अलग कंफर्ट जोन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्रामर्स, मैक्सिमम यूजर्स जो न्यू यूजर्स होते हैं फॉर बिगिनर्स, उनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं वो इस लैंग्वेज में, क्योंकि ये इस लैंग्वेज का सिंटेक्स बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा। जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपको एक सेंटेंस बस डिस्प्ले कराना है। सपोज वो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड उस सेंटेंस को डिस्प्ले कराने के लिए पाइथन में आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट विद इन ब्रैकेट्स देन विद इन क्योट्स। क्योट्स मींस इधर सिंगल इनवर्टेड कॉमास और डबल इनवर्टेड कॉमास, उसके अंदर आपको लिख देना है हेलो वर्ल्ड और वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर सेम कोड आपको सी प्लस प्लस में डिस्प्ले कराना है तो ना आपको लिखना पड़ेगा, मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ बेसिकली, तो सी प्लस प्लस का सिंटेक्स रहेगा इसमें हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच देन हैश टैग इंक्लूड कॉनियर डॉट एच देन वॉइड मेन फंक्शन ओपन करेंगे उसमें लिखेंगे सी आउट, उसके बाद स्ट्रिंग में लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड सेमी कोलोन वॉइड मेन फंक्शन क्लोज गेट सी एच फंक्शन देन clrstr फंक्शन, उसके बाद जाकर के ये प्रोग्राम रन होगा, तब जाकर के बताएगा बस एक सेंटेंस हेलो वर्ल्ड। तो आप खुद जज कर सकते हैं इनमें कि पाइथन और सी प्लस प्लस में कितने डिफरेंसेस है और कौन सा ज्यादा टफ और कौन सा ज्यादा इजी टू लर्न है। अगर आपको इससे ज्यादा जानना है बाकी लैंग्वेजेस के बारे में लाइक जावा, आप इंटरनेट पे डायरेक्टली इनके सिंटेक्स देख सकते हैं एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के, कि हेलो वर्ल्ड को अगर डिस्प्ले कराना हो तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह डिस्प्ले होता है, तो आप देख सकते हैं उनमें पाइथन का सिंटेक्स सबसे छोटा मिलेगा आपको बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से। एंड दैट्स व्हाई पाइथन को मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काम हमारे लिए आसान कर देता है, हम जल्दी तो कोड कर सकते हैं, कोई भी किसी बड़े प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं तो हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम इसमें लाइंस लिखने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक टाइप से कह सकते हैं योर एक्सप्रेसिवनेस इज एंडेंजर्ड। देन द बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स टू हैव अ गुड कैच ऑन प्रोग्रामिंग इज पाइथन। फॉर बिगिनर्स वो यूजर्स जो एक जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम दे आर प्रोग्रामिंग, बेसिकली कि वो प्रोग्रामिंग ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, किसी और लैंग्वेजेस को सीख कर नहीं आए हैं, उनको प्रोग्रामिंग का मतलब नहीं पता है अब तक, भी प्रोग्रामिंग जस्ट शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए पाइथन बेस्ट लैंग्वेज साबित होता है। क्योंकि पाइथन को एक बार सीख जाने के बाद आप में अच्छा खासा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि आप लोग बाकी लैंग्वेजेस को सीखना चाहे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी लोअर लेवल लैंग्वेज में घुस जाते हैं जस्ट लाइक सी और सी प्लस प्लस, तो हो सकता है आपको शुरुआत में काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, और सी प्लस प्लस और सी टाइप की लैंग्वेजेस अगर सीखने लग गए तो हो सकता है कि आप बीच में ही प्रोग्रामिंग को क्विट कर दे, आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं प्रोग्रामिंग हमारे बस की नहीं है, ये हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग कोई हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग सब कर सकते हैं। आप शुरू कीजिए एक इजी लैंग्वेज से जस्ट लाइक पाइथन। देन पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाइथन इंस्टॉलेशन एंड सेटअप को लेकर डील करेंगे। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।